वेलकम फ्रेंड्स, आप सब देख रहे हो पंजाबी बॉक्स ऑफिस और आज हम बात करेंगे चाल मेरे पुत्र 2 का पाकिस्तान का कलेक्शन। मूवी को पाकिस्तान में भी रिलीज़ कर दिया जा चुका है। मूवी का पाकिस्तान कलेक्शन के बारे में बात करने से पहले इसका पहले मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बता दूं। जो मूवी का टोटल कलेक्शन था लाइफ टाइम कलेक्शन, इस मूवी का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन था 20.20 करोड़ 20 करोड़ 20 लाख। मूवी का ओवरसीज कलेक्शन था पाकिस्तान को निकाल के 34.30 करोड़, और इसके बाद इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 54.50 करोड़। ये है मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन। पंजाबी इंडस्ट्री की ये दूसरी बड़ी मूवी बन गई है चल मेरा पुत्र 2, और मूवी को इस वीक के अंदर पाकिस्तान में भी रिलीज़ किया जा चुका है। और पाकिस्तान का 2 दिन का जो कलेक्शन सामने आया है वो है 80 लाख का। तो 80 लाख अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो बनता है 34.34 करोड़। तो इसके बाद इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पाकिस्तान कलेक्शन ऐड करने के जो बाद नया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बनेगा वो बनेगा 54.84 करोड़। अब अगर देखा जाए तो मूवी 56 करोड़ तक का डीयर क्रॉस कर सकती है अगर पाकिस्तान में अच्छा कलेक्शन रहा तो। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मूवी का पाकिस्तान कलेक्शन कितना रहेगा। इसके बाद द हौसला डाक, उसके बाद जो तरसीम जसर की नई मूवी आने वाली है वो भी पाकिस्तान में रिलीज़ की होगी। तो अब जितनी भी पंजाबी मूवीज़ आएंगी वो पाकिस्तान में भी लगेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पंजाबी मूवीज़ का बैन हटा दिया गया है। चल मेरा पुत्र 2 इतनी लेट रिलीज़ हुई है पाकिस्तान में, इस वजह से कलेक्शन कम है और सिर्फ पंजाब सर्किट के अंदर ही इसको ज़्यादा स्क्रीन मिली हैं। तो ये था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं मूवी का लाइफ टाइम पाकिस्तान में कितना कलेक्शन होगा।